मुझे लगता था कि ये रोज रोज नए नए निब्बा निब्बी आके आ कहां से जाते हैं, पर अब मुझे लगता है दुनिया निब्बा निब्बियों की ही है, हम ही गलत गोले पे आ गए। मतलब हर रोज एक निब्बी के घर में एक नया पिद्दा पैदा हो रहा है। पर सोचने की बात यह है कि एक आम इंसान का इतने टाइम में एक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, ये जितनी उम्र में अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे इन्हें तो आप जानते ही होंगे, रिद्धि सहवाग, अर्ज किया है जिस उम्र में हम लड़ते थे फॉर अंगूर का गुच्छा, जिस उम्र में हम लड़ते थे फॉर अंगूर का गुच्छा, उस उम्र में इनके घर में आ रहा है सेकंड बच्चा। तो ये देखो, अभी ये चेक करने के बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। वाह मेरे छोटे से निब्बे मोन, जेब में बिस्किट रखने की उम्र में प्रेगा न्यूज रख के घूम रहा है, किसी दिन बिस्किट समझ के चबा मत जाना। वैसे प्रेगा न्यूज इन लोगों का इमरजेंसी प्लान रहता है, जैसे हॉस्पिटल में नहीं रहता फायर एक्सटेंशन रखा रहता, उसके अंदर कांच फोड़ के निकालते हैं जैसे व्यूज आने कम हुए। प्रेगा न्यूज प्रेगनेंट है हम। और टाइटल देखो जरा, रिद्धि सेकंड टाइम प्रेगनेंट, कितनी गलत बात है, दिमाग नहीं है तुम लोगों के अंदर? पिछली बार भी रिद्धि प्रेगनेंट हुई थी, इस बार सहवाग को होना चाहिए था। क्या कर रहा है यार सहवाग, यार वाइफ की केयर करनी नहीं आती, वाइफ के साथ ऐसा व्यवहार। तो फ्रेंड्स मेरा पीरियड्स मिस हो गया है, मतलब मेरी डेट चली गई है पीरियड्स की। यार इन लोगों में दिमाग है कि नहीं है, ये सब बातें वीडियो में डिस्कस करता है कोई? एटलीस्ट बैनर वैनर लगवा के चौराहे पे छपवाना चाहिए था, ताकि पूरे एरिया को पता लग जाए कि रिद्धि के पीरियड मिस हो गए। भाई आज भी ना जाने कितने घरों में लेडीज बच्चों से ये सारी बातें डिस्कस करने से छुपाती है कि उनको पता ना चल जाए, और इनको देखो बच्चे इंटरनेट पे खुद डिस्कस कर रहे हैं। और ये पीरियड मिस हो गया इसकी चिंता है, और वो जो स्कूल और कॉलेज ना जाने की वजह से इतने सारे पीरियड मिस हो गए उसका क्या, उसकी चिंता थोड़ी ना होगी? ना नक्को बिल्कुल नहीं। इसी वजह से रिद्धि टेंशन में, रिद्धि को मतलब दिमाग में टेंशन है, वो निकाल दो कोई बात नहीं हो जाएगा, फिर इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, उसमें टेंशन लेने की क्या बात है बता। यार सही तो बोल रहा है यार बेचारा, मतलब बच्चा होगा तो दिक्कत क्या, उसमें व्यूज आएंगे, पहले बच्चे पे 100 के हुए थे, दूसरे पे 200 के, और 1 मिलियन करते करते शायद क्रिकेट की एक पूरी टीम खड़ी हो जाएगी। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? क्या बे पागल है क्या, मेरे मूंगफली के सड़े दाने, तू तो यहाँ व्लॉग बनाता रहता है, डिलीवरी का जो पेन होता है उस बिचारी को झेलना पड़ता है, क्या टेंशन है, क्या प्रॉब्लम है पगला? गंदे कमेंट कर दो, ये है वो है, हमें पता है हम क्या करते हैं, तो आपको देखना पसंद है तो देखो वरना मत देखो। अरे मेरी छोटी सी किशमिश में से छूटी हुई खुरचन, बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, इस उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं है। वैसे इस उम्र में दो दो बच्चे पाल रही है, गुस्सा तो कर ही सकती है, हैं सहवाग भी तो बच्चा ही है। बात तो सही है। और इधर ये जरा सी बीवी बोल रही है अगर नहीं देखनी वीडियो तो मत देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है, और उधर पे पति बोल रहा है प्लीज वीडियो देख लो, प्लीज सपोर्ट करो। तो कहता यूट्यूब तो हमारा वैसे डाउन चल रहा है, तो प्लीज यार अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब फैमिली 2 लाख के होने वाली है, पर 10,000 व्यूज बहुत ही मुश्किल से आते हैं ना, 10,000 व्यूज एक ही दिन में 1-2 लाख व्यूज आ जाते थे, बट अभी तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, तो प्लीज यार आप सब लोग सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो। अरे मेरे बेटे मेरे बिना शक्कर के बेटे, सपोर्ट बाद में मांगना, पहले कोई अच्छा से स्कूल ढूंढ के पढ़ाई मांग ले, अगर तूने ABCD और छोटा बड़ा अच्छे से पढ़ा होता तो इतनी बेसिक सी बातें बोल में करके अटक ना रहा होता, और यहाँ पे इस उम्र में लोग जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं और ये कॉम्पिटिटर पैदा किया जा रहा है। वैसे दोस्तों मैं भी डेली व्लॉग बनाने लग गया हूँ, बहुत मेहनत चल रही है एकदम फुल फुर्ती, तो आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा सा लगेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर देना जल्दी से, 1 लाख कर दो, सिल्वर बटन चाहिए एक। और मेरे यहाँ पे रिद्धि की तरह कोई नाटक नहीं है कि अच्छे कमेंट बुरे कमेंट सब चलेंगे अपन को, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दो, रिद्धि की तरह गुस्सा नहीं करते अपन, ना नको बिल्कुल नहीं। दुनिया के कुछ ऐसे खतरनाक स्टंट जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। अरे सहवाग भाई पेट्रोल की टंकी पे क्यों बिठाया है, पीछे एक रस्सी बांध के उसमें तगाड़ी बांध, उस पे बिठा दे उसको, स्केटिंग करवा बाइक से। मेरे निब्बे पापा बड़े मजे करवाते हैं, अबे तू बाप है या पोपला सांप है, अपनी जान की चिंता नहीं है, अपनी निब्बी की नहीं है, उस बेचारे नवजात शिशु की तो कर ले, उसकी गलती क्या है, एक हाथ से मोबाइल चला रहा है एक से गाड़ी चला रहा है, तेरे से जिंदगी तेरी सही से चल नहीं रही है, ना गाड़ी में हेलमेट है, ना सेफ्टी है, ना दिमाग है, ना बुद्धि है, पगला है वस्तु। अभी किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने वीडियो देख ली ना तो जरा में चालान कट जाएगा, और वो पीछे बैठी 250 ग्राम मेथी को बुरा लग गया, कमेंट में किसी ने बोल दिया कि सेफ्टी की चिंता करो अपने बच्चे की, नहीं माँ की ममता बाद में जागी, पति के लिए मुंह पेले जाग गया। तुम लोगों को क्या लगता है गमे कुछ पड़ी नहीं है क्या, अरे हम भी उसके माँ बाप है, गमे पता है हम क्या कर रहे हैं, ओके एक तो हमें की जगह 4,000 गमे लिखती है, गेम खेलना चाहती है क्या बहन, और अपने जरा से पति की जरा सी पत्नी, अपने पति से पूछो जरा कि उसको क्या क्या पता है दुनिया में, जब वो रोड के किनारे खड़े होकर सुसु करने जाते हैं ना, उसका नंबर 2 कब निकल जाता है उसको वो तक नहीं पता चलता, उसकी जिंदगी कहां जा रही है उसको वो नहीं पता, तुम दोनों मिलकर इतनी उम्र में कर क्या रहा तुम्हें खुद नहीं पता वो, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तुम्हें देख के कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लोग तो इन्फ्लुएंस हो ही जाते होंगे, तो यही सोच लिया करो कहां जा रहे हो क्या शूट कर रहे हो, उसका जरा सा पति सब शूट कर लेता। तो आज हम लोग जा रहे हैं पापा जी के अस्थि विसर्जन के लिए महादेव के मंदिर पे, जो कि रिद्धि के मायके से 90 किलोमीटर दूर है,
और अभी हम लोग पहुंच भी चुके हैं, तो आप सब दुआ करना कि पापा जी की आत्मा को शांति मिले। अस्थि विसर्जन बाद में करना, पहले अपने मोबाइल को विसर्जित कर दे। उधर बिचारी वो जरा सी पत्नी दुखी है कि पापा की डेथ हो गई, इधर पति मजे में सबको शूट कर लेता हूँ, मिनी व्लॉग का टाइम है, मिनी व्लॉग डालूंगा। अंकित बियानपुरिया तो नहीं बन पाया, निब्बा टियानपुरिया बन जाऊंगा। और कुछ लोग तो निब्बा निब्बी से भी ज्यादा खतरनाक चीजें शूट कर रहे हैं। प्रभु प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? भाई ये सब देखकर तो मुझे बहुत डर लगता है। तुम सोचो तुम्हारी अरेंज मैरिज हो गई, उसके बाद तुम घर पे बैठ के मस्त मोबाइल चला रहे हो और तुम्हारे सामने एक वीडियो आती है जिसमें तुम्हारी पति या फिर पत्नी अपनी स्कूल में किसी के साथ कच्चा विवाह कर लिया, उसके माथे के ऊपर क्या कहते हैं वो लिपस्टिक की सिंदूर लगा के। भाई मैं बता रहा हूँ, ऐसा ही ये सब चलता रहा ना तो सरकार एक दिन वो जो था ना चाइल्ड लेबरिंग वो लीगल कर देगी कि भाई ये बच्चे फ्री रह रहे हैं तो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इनसे मजदूरी करवाओ। चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर पुष्पा सुहागन के साथ। अरे मेरे छोटे से पिकाचू, साड़ी भी पहन ले और अपने ससुराल चली जाए एक काम कर, और वहाँ जाके अपने निब्बे के साथ बैठ के बोनवीटा का दूध पी लेना। भाई ये बच्चे किस दिशा में जा रहा है, जरा सा लाल पदार्थ हाथ में आया नहीं कि माथे पे भर लेते हैं सिंदूर बना के। और जिस उम्र में हम लोगों को बात तक करनी नहीं आती थी, ये लोग बात भी करते और वो भी सीधी शादी की। अगर प्यार हुआ तो शादी करोगे? अरे बहन थाम्बा थाम्बा, उसको पैदा तो हो जाने दे, बच्चे उठाने वाली बच्ची है वो, उसको पोटी करना नहीं आती ठीक से, तू शादी करने चलिए, यहाँ भी डायपर पहन के घूम रहा वो। वाह वो छोटा सा अनारदाना उसके पीछे पीछे चल भी दिया। बेटा टॉफी खिलाने नहीं ले जा रही वो, अगर शादी हो गई तो तेरे हिस्से की भी आधी टॉफी खा लेगी। और भाई साहब ये जो उम्र होती है दादा दादी के प्यार की होती है, शादी के प्यार की नहीं। और वैसे भी ये निब्बा निब्बी बहुत डेस्परेट हो गए, ये भाई बहनों को ही देख लो। या तो अपना मोबाइल टेढ़ा कर लो या तो फिर कांच से थोड़ा सा दूर हो जाओ, ये बर्तन में पड़े मैगी और मसाले जैसे आपस में घुसने की क्या जरूरत है। और भाई मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये जरा जरा से छिपकली के अंडे internet.com के जमाने में ऐसे मिलजुल के रह कैसे रहे। हम लोग तो भाई बचपन में मैं अपनी बहन से जब तक दिन में 4 बार लड़ डालू मेरा तो खाना हजम नहीं होता था। पर अब तो बहन की शादी हो गई दोस्तों, तुम्हें नहीं पता, व्लॉग चैनल नहीं देखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों आज हम दुनिया के 3 सबसे पौराणिक और अजीबोगरीब जीव के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। अरे दीदी बस बैठी क्यों, लेट जाओ, लोट लगा लो, मैं तो कहता हूँ मछली बन जाओ रोड पे ऐसे ऐसे। यहाँ एक आम आदमी बारिश में अपने जूते तक बचाता है कि पानी में गीले ना हो जाए, और इनको देखो बटर की टिकिया बन के रोड पे फैल गई। और दोस्तों अब हम एक वीडियो देखने वाले हैं जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं, पर आपको 3 गलतियां बतानी है कमेंट में। वीडियो देखते देखते बता देना, क्योंकि मैं जब बताऊंगा फिर देखना कि अपनी गलतियां मैच करती हैं कि नहीं। लेट्स गो। ये ले चॉकलेट, ये ले चॉकलेट। भैया मुझे भी चॉकलेट दो ना। चॉकलेट तो मैं दे दूंगा, लेकिन उससे पहले इस पे तेरे भाई का साइन लेके आ। बस इतनी सी बात, अभी लाई। भैया इस पे साइन कर दो। छोटी ये तो अपने प्रॉपर्टी के पेपर है, मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। तो फिर अंगूठा लगा दो। ठीक है ये ले। ये ले मेरा बैग, मैं अभी आई। कहाँ जा रही है? आ रही हूँ ना। मौका अच्छा है, मैं उसके बैग से पैसे चुरा लेता हूँ। अरे वाह इतने सारे पैसे, 1 मिनट, उसने उस पेपर पे मेरे अंगूठे क्यों लगवाए? अभी जाके देखता हूँ। ये लो पेपर। अरे वाह। अब मेरी चॉकलेट दो। ये ले। अरे ये तो मेरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर रही है, अगर मैंने बचपन में उसे अच्छी परवरिश दी होती तो आज ये ऐसा ना करती। ये क्या है? पहली बात, उसके घर के कागज उसकी जेब में कर क्या रहे थे? और दूसरी चीज, ये थूक से अंगूठे का प्रिंट कब से लगने लग गया? और तीसरी चीज, जब इस बहन के बैग में इतना माल था ही तो उससे चॉकलेट खरीद लेती, उसकी चॉकलेट क्यों मांग रही थी? उसकी चॉकलेट में कोई एक्स्ट्रा पुदीना का मसाला मिला है? वैसे दोस्तों आप लोग भी एक चीज मिला सकते हैं मेरी जिंदगी में, खुशियां। जी हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके 3 मिलियन करवा दो यार प्लीज। कब तक मैं सब्सक्राइब बोलता रहूं? और चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। मम्मी प्रॉपर्टी के कागज दो, टॉफी खाना है। क्या मतलब, इधर ना मार खा ले।